जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुनील तिवारी ब्लॉग में। जैसा कि बारिश का मौसम जो है चल रहा है, उसमें देख सकते हैं बादल जो है पीछे यहाँ देखिए घेरा हुआ है पूरा काली घटा की घमंड घटा, पूरा एक प्रकार से देखा जाए तो काली घटा छाई हुई है। ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम में मौसम जो है एकदम बेहाल है। रात 1:30 बजे से लेकर के सुबह प्रेजेंट टाइम बजे हैं 12:30। ठीक है, इतना बजे तक लगातार बारिश हुई है। अभी तो मतलब थोड़ा सा निकला है, तभी झीसा हल्का हल्का पड़ रहा है। ठीक है, तो बारिश लगातार चली रही है, तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और आप लोगों से कहना है कि फाइनली जो है 1500 सब्सक्राइबर जो है कंप्लीट होने वाले हैं। इसके लिए आप लोग का तहे दिल से शुक्रिया। ठीक है, तो देख सकते हैं अभी हम आए हैं सड़क पे। ठीक है, और ये बाबू भैया वाला छाता भी लिए हैं, बाबू भैया वाला। श्यामाइला बाबू भैया से डायरेक्ट बाबू, तेरा तो गेम बजाना पड़े। ठीक है, तो चलिए आगे हम दिखाते हैं जो है इसमें पानी कितना लगा हुआ है, कैसे कैसे क्या है। ठीक है, तो चलिए देखिए फाइनली छाता ले लिए, थोड़ा निकाल लेते हैं इसको, लगाते हैं छाता। ठीक है, ये देखिए बाबू भैया वाला छाता भी लग गया। ठीक है, बारिश स्टार्ट हो गई है भैया। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं सड़क का नज़ारा। ठीक है, और इस साइड देखिए अभी तो इसमें धान की फसल जो है लगाई जाएगी। ठीक है, तो ये देख सकते हैं धीरे धीरे बरसात हुई है, पानी लग गया उस वाले खेत में। देख सकते हैं कितना गड्ढा था, पानी लगा हुआ है, तो बरसात आप लोग जान सकते हैं कितनी ज़्यादा बरसात हुई थी। ठीक है, तो ये देख सकते हैं इधर, ये देखिए सड़क का नज़ारा। ये सड़क चालू रोड है, अब इधर आते जाते लोग रहते हैं। ठीक है, काफ़ी लोग, ये देखिए डी बाबा का स्थान, यहाँ पे हम लोग आए हैं। इसका ब्लॉक का जो है जहाँ यहाँ पे हवन ब्लॉग में है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग आए हैं, उसको आप लोग वीडियो जाके देख सकते हैं, आई बटन पे हम इसका लिंक देंगे। ठीक है, चलिए और दिखाते हैं जरई। जरई जो कहते हैं एक प्रकार से धान की जो छोटी छोटी बिया एक प्रकार से जब लगाया जाता है तो होता है, उसको हम दिखाते हैं कैसे कैसे कहाँ है। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो दोस्तों छाता लेके घूम रहे हैं हम। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, जो है हम दिखाते हैं आप लोगों को जो है जरई कहाँ कहाँ लगाया गया है। ठीक है, देखिए बगल में जो है इधर देखिए बजड़ी लगाई हुई है। ठीक है, गाय को चारा खिलाने के लिए। ठीक है, ये देख सकते हैं। ठीक है, और इस जस्ट बगल में देख सकते हैं यहाँ पे जो है धान की फसल एक प्रकार से जरई लगाया गया है। ये जो है धान आगे जाके जो है इसको बैठाया जाएगा, फिर जाके धान का रूप लेगा। ठीक है, काफ़ी टाइम लगता है धान की फसल। और ये देख सकते हैं वृक्षारोपण किया गया है। ठीक है, और आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे जो है ये गांव में इतनी समस्या होती है कि इस समय सांड जो है ज़्यादा छोड़ दिए गए हैं, लेकिन यहाँ प्रेजेंट टाइम में जो है गया हुआ है। इतना ज़्यादा सांड हो गए थे कि जो है गाँव के लोगों की जो है फसल बर्बाद हो रही थी। धीरे धीरे सबको जो है भेजा गया, पैसे वैसे इकट्ठा करके। ठीक है, ये देख सकते हैं पानी लगा हुआ है, और ये बगल में देख सकते हैं कि जरई एक प्रकार से लगाया गया। ये जो है अपना खुद का है। ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए गाय वाय से मतलब साढ़ वाड़ से बचाने के लिए जो है देखिए बांधा गया है बाँस का बेड़ा। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, चलिए, तो ये देखिए मेरा ट्यूबवेल है। चलिए, तो आगे हम दिखाते हैं जो है गांव में जो है एक प्रकार से सड़क का क्या हाल है बरसात होने के कारण। ठीक है, क्योंकि गांव में जो है एक प्रकार से देखा जाए जो विकास वाली बात होती है, तो विकास अभी पैदा नहीं हुआ है जिससे गांव का विकास हो सके। ठीक है, तो चलिए ये देख सकते हैं इस साइड का नज़ारा। तो दोस्तों देख सकते हैं बारिश स्टार्ट हो गई फिर से। ठीक है, तो यहाँ पे रिमझिम रिमझिम बारिश चल रही है। ठीक है, छाते में देखिए तो बारिश जोरों से हो रही है। ठीक है, ये देखिए पीछे तो छाता में है। ठीक है, बहुत तगड़े बारिश हो रही है। ठीक है, चलिए दिखाते हैं आगे। चलिए चलते हैं गांव में देखते हैं। ये देखिए रोड, ये है घर जाने का मार्ग। देख सकते हैं दोस्तों रोड का क्या कंडीशन है। रोड ऐसे ही बना हुआ है। ठीक है, तो रास्ते में
जब हम लोग ऐसे चलते हैं तो पानी ऐसे जल भराव स्थिति हमेशा बनी रहती है, इसीलिए हम कहे थे ना कि जो है विकास अभी पैदा नहीं हुआ है जिससे गांव का विकास हो सके। ये हमने गलत नहीं कहा था, देख सकते हैं कितना पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो आगे हम धीरे धीरे ऐसे चलते हैं तो अभी गाँव की अंदर की स्थिति है, ठीक है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे दिखाएंगे, ठीक है। ये देख सकते हैं बरसात का पानी ऐसे ही भरा रहता है गाँव में, और ना ही नाली की व्यवस्था है, ना ही रोड बना है, तो ये समस्या जो है प्रॉपर पता नहीं इस ग्राम प्रधान कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। बट जो है ये स्थिति जो है गाँव की बनी हुई है, गाँव में जो है प्रॉपर ऐसे ही स्थिति हमेशा है। वीडियो को जो है आप लोग इंजॉय करिए, ठीक है। और ऐसे धीरे धीरे हम चल रहे हैं घर की तरफ, ठीक है। ये जो है यहाँ से अभी हम आगे चलते हैं, देख सकते हैं यहाँ तक खड़ंजा है, गाड़ी देखिए देखिए यहाँ नज़ारा है, देखिए नज़ारा है, कैसे हाल है हमारे गांव का, हम लोग हाल बुझाते हैं, बहुत ख़राब कंडीशन है लेकिन हरियाली जो है मौसम की वजह से हरियाली काफ़ी अच्छी लग रही है, ठीक है। तो जो है रिपोर्ट चल रहे घर, अभी देखिए देख सकते हैं कितनी तगड़ी बारिश हो रही है, पूरा भीग गया है। ये देखिए इतना पानी लग गया इधर, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे पानी लगा हुआ है, ठीक है। चलिए हम चलते हैं अपने घर की तरफ। अभी देखिए घर अभी हमारा ये आगे है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पानी कितना लग गया इधर, थोड़ा पैर वैर धुल लेते हैं। अरे शोला देखिए कितना है, ये देख सकते हैं इस साइड का नज़ारा। ये देखिए घर पे आ गए हम लोग, ठीक है। बारिश जोरों से है, आइए थोड़ा दिखाते हैं जाने का जो है। ये देखिए काली जी का स्थान, ठीक है। इधर ये चलो आज हम चलते हैं इधर, रही बाप रे बाप पूरा। ये देखिए तेरे बाबा, तो दोस्तों आप लोगों ने पूरे वीडियो का एंजॉय किया होगा, ठीक है। तो जितना भी आप लोगों ने अगर वीडियो देखा, एक प्रकार से जो पानी लगा था, ठीक है, तो ये एक जलभराव की स्थिति हमेशा गांव में रहती है, ठीक है। तो हम लोग इधर सड़क से बाजू में, मतलब सड़क है उधर से आते जाते रहते हैं, ठीक है। तो ये सब रहता है और अभी भी मौसम ख़राब है, ठीक है। चलिए तो ऐसे ही जो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की पल पल की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।